नमस्कार, मैं काजल निषाद। आज सोमवार भी है तो मेरे आराध्य देव शिव को याद करते हुए, शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थानवे नमः, सर्वभूताधि पते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, अजनम ने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वंधस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्र नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरी भर्ताय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः, ओम पार्वती पते हर हर महादेव हर। और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अरे गोबर रुक, अरे बैठ, ए बैठ बैठ बैठ, अरे बैठो, पिताजी की तारीफ सुन के जाओगे कि नहीं? हाँ बैठ। हाँ साथियों, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो और पता तो चल ही रहा है ना आपको कि हमारा तीर जो है बिल्कुल निशाने पे लगा है। देख रहे हो कैसे फड़फड़ा रहे हैं सब? हो जा रही है इनके अच्छे से, बहुत तो मजा बहुत ज्यादा जो है इनको चोट लगी है क्यों भक्तो? अबे पिताजी का नामकरण यही बैठे बैठे कर दिया हमने, तुमरा भी कर देंगे। तुमरे पिताजी का नाम तो हमने कर दिया पनौती, और वो ठहरे तुमरे पिताजी, तो तुम कौन हुए? पनौती के कपूत, कपूत यानी बेटा, तो तुम हुए पनौती कपूत। ठीक, अच्छा लगा? अरे ठीक है बेटा, आशीर्वाद मत लो, अच्छा लगा ना नाम आपको, तो बस खुश रहो। का भक्तो, तुम लोग मोटर साइकिल गाड़ी वो सब नहीं चलाते हो क्या? बहुत गरीब घर के हो क्या जी? पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हो? हाँ, कि बाबा रामदेव जो तुमको 2 रुपए में 20 रुपए 25 रुपए दे रहा था वही ले रहे हो? गाड़ी सजाने के लिए रख दिए ना बेटा अभी? अरे वो देखो, वो भक्त देखो गाड़ी जलाने जा रहा है। अरे बेटा रुको, रुक जाओ, तुम्हारे अब्बा हमेशा थोड़ी रहेंगे ऊपर, कभी दूसरी सरकार भी आएगी, दाम घटेंगे, तब डलवा लेना पेट्रोल। कहाँ जलाओगे गाड़ी को? हाँ चलो बैठो बैठो। क्या जी? पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना का संकट कम था क्या मोदी जी? पेट्रोल डीजल के दाम भी आप बढ़ा रहे हो, जब आपको पता है जब आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 2004 वाले दाम ही में मिल रही है, तो फिर आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? आप दाम क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों जनता की कमर तोड़ने पे लगे हुए हो आप? अरे आपकी जनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपकी जनता है भैया भारत की, इन्होंने आपको कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, एक बार नहीं दो दो बार प्रधानमंत्री बनाया, और आपको समझ में नहीं आता? बह गए हो एकदम से? कहां गया वो पहले वाला मोदी? गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आप, जब प्रधानमंत्री नहीं थे आप कितनी बुलंद आवाज में बोलते थे आप, और कैसे बोलते थे आप? भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारे जमीन में घुसा चला रहा है, परेड कर रहा है, रोड बन रहा है, और ये केंद्र सरकार को कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल सो रही है भाइयों और बहनों,
या केंद्र सरकार मुझे जवाब दे कि ये चीनी सेना को कैसे हटाएगी, क्या करेगी, क्या उपाय है। और अब का मोदी ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं। मोदी जी, मोदी जी, देश बिक गया है, बिक गया। रुको, और एक जुमला दे दूं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ना सीमा में कोई आया, ना हमारी जमीन हड़पी। ये चीन वाले मजाक मजाक में 20 सैनिक को शहीद कर दिए। गजब की सरकार है भाई, ये गजब की सरकार है। भविष्य का सपना दिखाती है और सत्ता पे बैठ जाती है। वर्तमान में सवाल पूछो तो आपको भूतकाल में ले जाती है। गजब की सरकार है ये। अब तक कुछ नहीं होगा, रुक जाता है हमारा वीडियो जो है बहुत वायरल हो गया है तो बीच में रुक जाएगा, रोकेंगे। हाँ ठीक है। अरे भक्त कहाँ जा रहा है, रुक। पनौती का पूत बैठ, सुनेगा नहीं दास्तान अपने बाबूजी की। पेट्रोल डीजल के दाम आपने इतना बढ़ा दिया, ये दाम बढ़ते हैं ना तो आम जनता को फर्क पड़ता है, किसान को फर्क पड़ता है, घर में जो महिलाएं काम करती उनको फर्क पड़ता है। क्या करेंगी ये महिलाएं? देश ऐसे ऐसे विश्व गुरु बनेगा, ऐसे बनेगा। मोदी जी, आपका जो सपना था, आप जो सपना लेकर आए थे, वो कहां गए सब सपने? अरे आप तो गरीब के बेटे हो ना, चाय वाले। गरीबी आपने बहुत नजदीक से देखी है तो उस गरीब का दर्द तो समझो। कि गरीब का बेटा जाके अमीर बन गया तो सब भूल गया, अमीरी पचा नहीं पा रहे मोदी जी, सब भूल गए। सुनिए मोदी जी, आप जितना अपने थोबड़े पे और सुंदरता पे खर्च करते हैं ना, उतना खर्च कोई नहीं करता होगा। हम जैसे एक्टर मुझे देख लीजिए, ठीक से आईब्रो भी नहीं करती हूं मैं, लेकिन सुंदरता जो है ना वो यहां मन से होती है, ऐसे थोबड़े से नहीं। जितना सजते सवरते हो आप, जनता पे खर्च कीजिए ना, आपकी जनता है ये। दो कपड़ों में भी ये पद चलाया जा सकता है। और अमित शाह पहले के प्रधानमंत्रियों से इनकी तुलना करेंगे। है ऐसा मुंह इनका, करतूत है इनकी ऐसी। मैं सवाल पूछूंगी आपके, ये पनौती कपूत जो हमको गाली देंगे तो दे, ये और कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कपूत जो होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। कैसे हो को कासा हा ऐसा लिखेंगे, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। तो इनको उसका दूसरा भाई जो है वो बोलता है, सुन तुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, तू गाली नहीं दे सकता किसी को, तू तो क्योंकि गाली लिख नहीं पाएगा माँ बहन की, तो सुन तुझे काम कर देते हैं कि तुझे गंदे गंदे फोटो देंगे, तुझे गंदे गंदे फोटो फॉरवर्ड करने। ऐसे भी होते ये कुछ अंधे गोबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे गाली, जितनी गाली देगा ना उतनी हिम्मत बढ़ेगी मेरी, उतनी आवाज उठाऊंगी मैं भारत के लिए। दे गाली दे, और सुन अब जा, तेरे पिताजी कहानी समाप्त हो गई, जा। जाग गया है ये भारत देश, हम भी अनाज खाते हैं,
घास नहीं खाता कोई, सबको पता चलता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। और बेटा यहां अमर होने तो कोई नहीं आया, एक दिन ये नेतागिरी भी सब झर जाएगी, कुर्सी से भी तुम उतर जाओगे और तब ये 2% के पनौती कपूतों का होगा क्या? गोबर साले, दीवारों में चिपरी की तरह इधर उधर छपे पड़े मिलेंगे ये। दे गाली, तेरी गाली का भी स्वागत है, जा तेरी गाली का भी स्वागत, जा दे दे, तू मेरी हिम्मत बढ़ा रहा है, दे। धन्यवाद।